गाइस ये रास्ते में खेलना कितना ज्यादा मुश्किल है आप लोग देख सकते हो। ये वाला पार्क से खेलेंगे अभी, चलेंगे इस प्लेन को फ्लाई करने के लिए। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अवर न्यू व्लॉग। सो गाइस अभी सुबह के टाइम हो रहा है 10 और अभी फिलहाल मेरे साथ है आशीष भाई। हेलो गाइस, सुबह सुबह आ गया था, मजा ही आ रहा है। अभी तो हम लोग पूरा नाश्ता वास्ता करके पूरा फ्रेश हो गया हूँ और भैया भी अभी नाश्ता कर रहे हैं और यहाँ पे बच्चे लोग आया है घर पे, वाईफाई से गेम वेम डाउनलोड कर रहे हैं मस्त। और गाइस अभी हम लोग खेलेंगे बैडमिंटन, खरीद के लेके आए थे वो अभी अंदर ही पड़ा हुआ है, पैकिंग करके ही पड़ा हुआ है, तो चलिए उसको निकालते हैं और मस्त खेलते हैं बैडमिंटन। गाइस अभी भी स्टूडियो के अंदर ही पड़ा हुआ है यहाँ पे, चलिए इसको बाहर लेके चलते हैं, चलिए मस्त इसको लेके चलते हैं। आशीष भाई इसको खोलेंगे, अनबॉक्सिंग करेंगे, चलिए खोलिए। ये अभी भी मस्त चमक रहा है। अच्छा मीरू खेलेंगी, ए मीरू, और यहाँ से कॉर्क निकलेगा, निकालो निकालो जल्दी निकालो। चलिए इसको हमको दे दो, दे दो हमको ही दे दो। मीरू किसी को खेलने नहीं दे रही है, खुद खेलेंगी। हाँ मीरू। सो गाइस यहाँ पे आशीष भाई अकेला अकेला खेल रहा है क्योंकि यहाँ पे मीरू नहीं दे रही है, किसी को नहीं दे रही है। सो गाइस अभी खेलेंगे मस्त और आशीष भाई वहाँ पे है। गाइस हम लोग के यहाँ पे खाली एरिया नहीं है तो हम लोग रास्ते में खेलते हैं, तो थोड़ा बहुत जगह यहाँ पे मिल जाता है घर के सामने, तो यहाँ पे खेलेंगे और मस्त खेलेंगे। आशीष भाई वहाँ पे है, बिल्कुल खेलना नहीं आता उसको, हमें तो खेलना आता है, हम तो बचपन से खेलते हैं। I look at people and they wonder all day, who are you when you are not the one in your way, and then I think about myself and I stay. Guys, ये रास्ते में खेलना कितना ज्यादा मुश्किल है आप लोग देख सकते हो, हर टाइम कोई ना कोई आता रहता है तो इसीलिए गेम को बंद रखना पड़ता है बीच बीच में। तो चलिए अभी तो पूरा क्लीन हो गया है, अभी खेलते हैं मस्त। और गाइस मैं एक बताना चाहता हूँ कि आप लोग रास्ते में मत खेले क्योंकि रास्ते में बहुत ज्यादा रिक्स होता है, तो बहुत ज्यादा बाइक वगैरह चलता है, तो इसीलिए आप लोग रास्ते में मत खेलिए। सो गाइस यहाँ पे एक भाई को दे दिया, अभी ये भाई भी खेल रहे और आशीष भाई भी यहाँ पे खेल रहे है। आशीष भाई हर बार चेंज कर रहा है जगह लेकिन खेलना बिल्कुल नहीं आता। वो भाई को अभी फिर से मोबाइल दे दिया हूँ, अभी कैमरा कर रहा है तो मैं अभी खेलूंगा। ओ सीख गए हैं आशीष भाई, तो सीख गए हैं, मजा ही मजा। हार गया। अरे मुझे नहीं बुलाए, तुम लोग गेम स्टार्ट कर दिए। गाइस मैं भी आ चुका हूँ, अब मैं खेलूंगा, लाओ मुझे दो थोड़ा खेल। ये कॉर्क अच्छा नहीं है। क्या अच्छा नहीं, ये सही है, बहुत हल्का हो गया। लाओ 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 मैं थोड़ा खेलूंगा। आशीष मारा उठाई थी। अरे मुझे तो खेलना ही नहीं आता। गाइस इधर बहुत ज्यादा पेड़ है तो सही से हम लोग खेल नहीं पा रहे हैं। इसका हाल देखिए खराब हो गया। हाँ ये सही है, ये सही है, ये सही है। तो आशीष भाई कैसा लगा बोलिए, खेलने का मजा? मजा नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा? धूप इतना ज्यादा है कि लोगों को मजा नहीं आ रहा क्योंकि पसीना बहुत ज्यादा छूट रहा है। ये जो है ना, ये सुबह सुबह खेलना चाहिए। अभी 11 बज गया है तो बहुत ज्यादा धूप हो गया है तो हम लोग थोड़ा पसीने पसीने में भीग गए हैं, थोड़ा खेलेंगे उसके बाद बंद कर देंगे गेम।
गाइस बहुत ज्यादा धूप हो रहा है और मैं भी यहाँ पे पसीना पसीना हो गया पूरा, देख सकते हो यहाँ पे दोनों खेल रहे हैं, यहाँ पे आशीष भाई और यहाँ पे भैया। गाइस अब नहीं खेलेंगे, बहुत ज्यादा धूप हो रहा है और पसीने में पूरा भीग गए हैं, अभी चलते हैं। बंद करो गेम, चलो आजा। ऑन करते हैं पंखा, पंखा को ऑन कर दिया, अभी इसको अंदर कर रहे हैं, बाद में खेलेंगे। ठीक है, अब जाके थोड़ा सुकून मिल रहा है क्योंकि हवा आ रहा है, ठंडा ठंडा हवा, मजा आ रहा है। सो गाइस बैडमिंटन का गेम कैसा लगा बोलिए। आशीष भाई का तो खेलना नहीं आता, लेकिन पहले से ही आशीष भाई खेल रहे हैं, एक बार भी नहीं दिया, बैटिंग नहीं छोड़ा। हेलो गाइस, पसीने में पूरा भीग गए हैं, थक चुके हैं पूरा। एक तो ये सुबह का टाइम खेलना चाहिए, हम लोग 12 बजे खेलना स्टार्ट किए हैं, 11 बजे टाइम ही कहाँ मिलता है, हम लोग उठते ही है 10 बजे। बहुत ज्यादा गर्मी लग रहा है। अभी चलते हैं, आरसी प्लेन में थोड़ा काम बाकी है, उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह लगा दिए हैं, थोड़ा काम है वो करते हैं। आप लोगों को दिखाए थे पिछले वीडियो में, तो वही आरसी प्लेन में हम थोड़ा काम करेंगे और शाम को लेके चलेंगे खाली एरिया पे झील के तरफ, तो उस जगह पर हम फ्लाई करेंगे और देखने में काफी मजा आएगा, तो वीडियो पे बने रहे। तो चलिए फटाफट मैं उस पर अभी काम, अभी तो थोड़ा रेस्ट कर लेता हूँ और उसके बाद चलेंगे। सो गाइस अभी आ गए हैं स्टूडियो पे और भैया यहाँ पे है और प्लेन यहाँ पे है, तो बताओ इसमें थोड़ा अभी दो मिनट टाइट करना है और इसके बारे में थोड़ा जानकारी बताओ कि क्या क्या लगाया है। यार ये इस प्लेन का नाम है MiG-29, उस मॉडल का है ये प्लेन। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये ब्रशलेस मोटर लगा हुआ है, फिनलैंड प्रॉप लगा हुआ है, इसका 6x45 का प्रॉप लगा हुआ है और ये 2700 kV का ब्रशलेस मोटर, 2 2 PL ब्रशलेस मोटर और 2 9 ग्राम सर्वो लगा हुआ है, इधर एक और इधर एक, तो इस तरीके से ये वर्क करता है। और इसके अंदर में मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर एक ESC लगा हुआ है जो कि 80 एम्पियर का ESC, यहाँ पर आप 50 एम्पियर का भी लगा सकते हैं, मेरे पास यही था तो इसको लगा दिया हूँ। और एक यहाँ पर ये रिसीवर लगा हुआ है फ्लाई स्काई का, तो आपको मैं ट्रांसमीटर दिखा देता हूँ मेरे पास कौन सा ट्रांसमीटर है, चलिए दिखाते हैं। यहाँ पर है मेरा ट्रांसमीटर, यहाँ पर 2 ट्रांसमीटर है, ये एक ट्रांसमीटर है, दिखाओ थोड़ा से। तो ये है CT6B ट्रांसमीटर, ये उतना अच्छा नहीं है, इसमें डिस्प्ले वगैरह नहीं है, सेटिंग वगैरह करने के लिए उसमें आपको PCB लगाना पड़ेगा, तब जाके उसको सेटिंग करना पड़ेगा। लेकिन ये जो है फ्लाई स्काई i6 ट्रांसमीटर, ये बहुत ही बढ़िया बिगनर के लिए बेस्ट ट्रांसमीटर है। प्राइस कितना है इसका? 4,800 रुपये मुझे पड़ा था ऑनलाइन। तो ये है ट्रांसमीटर, ये काफी बढ़िया है, इसमें बहुत सारा फीचर्स है। एक तो ये डिस्प्ले दिया है, इसमें आप आसानी से जो है प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, इस ट्रांसमीटर को हैंड टू हैंड प्रोग्रामिंग करके अप्लाई कर सकते हैं। ये कितना स्पीड में भागेगा? बहुत ज्यादा क्योंकि इसका जो मोटर है ना बहुत हाई केवी का है, 2700 kV का है, तो बहुत ज्यादा स्पीड है इसका। कितना देर तक ये उड़ सकता है, मतलब फ्लाई हो सकता है कितना देर तक? बैटरी का बैकअप बोलिए। 5 मिनट लास्ट है इसका, स्पीड इतना है ना, बैटरी बहुत जल्द खत्म हो जाता है, मतलब 3-4 बैटरी लेके घूमना पड़ेगा। मेरे पास फिलहाल एक ही बैटरी है, ये 22 mAh का बैटरी, 3 cell 40C का बैटरी है, तो इसको फटाफट मैं चार्ज पे लगा देता हूँ इस बैटरी को, और उसके बाद इस प्लेन को चलेंगे लेके खाली एरिया पे झील में, जहाँ पर पानी वगैरह सूख चुका, आपको दिखाया था जहाँ पर हम लोग पतंग उड़ाए थे, उसी जगह पर चलेंगे इस प्लेन को फ्लाई करने के लिए। तो फटाफट मैं बैटरी को चार्ज में लगाता हूँ और मैं जो चार्जर यूज करता हूँ वो भी आपको मैं दिखाता हूँ। यहाँ पर मेरे पास है ये IMAX B6 का चार्जर है, काफी बढ़िया चार्जर है, ये बैलेंस में चार्ज करता है। दूसरा वाला जो ब्लैक कलर का चार्जर रहता है वो सर 3 cell चार्ज करता है, उसमें थोड़ा प्रॉब्लम होता है क्योंकि वो बैलेंस में चार्ज नहीं करता है, तो इस चार्जर से क्या है ना पूरा बैलेंस में चार्ज करता है, लाइक बैटरी को चार्ज भी कर सकते हैं, फास्ट चार्ज कर सकते हैं, डिस्चार्ज भी कर सकते हैं, बहुत सारा इसमें ऑप्शन है। तो चलिए थोड़ा फटाफट इसमें ऑन कर देते हैं इस चार्जर को, तो ये चार्जर ऑन हो चुका है, तो अभी इसको चार्ज में लगा देते हैं। यहाँ पर ये इसका कनेक्ट कर दिया मेन लीड और इधर से ये बैलेंस लीड को यहाँ से कनेक्ट कर दिया हूँ, तो अभी इसको बैलेंस में करते हैं। तो यहाँ पर कुछ सेटिंग है वो मैं करके रखा हूँ, अभी इसको चार्ज में लगा देते हैं। हाँ देख सकते हैं अब चार्ज होना स्टार्ट हो चुका है, अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं सभी सेल 3 cell का जो वोल्टेज है वो सब दिखा रहा है पूरा। तो अभी इसको चार्ज में मैं लगा दिया हूँ और इस प्लेन को मैं अभी साइड में रख देता हूँ, चार्ज हो जाएगा और उसके बाद लंच वगैरह करके फिर चलेंगे इस प्लेन को फ्लाई करने के लिए। 3 hours later
सो गाइज अभी तो शाम हो चुका है, शाम के 4 बज चुके हैं और हम लोग जाएंगे प्लेन उड़ाने के लिए, लेकिन नहीं जा पाएंगे फिलहाल। तो अभी बारिश शुरू हो गया है, आप लोग देख सकते हो पूरा खराब हो गया, अभी देख सकते हो बारिश शुरू हो गया है, हवा भी तेज चल रहा है। सो अभी चलते हैं स्टूडियो पे तरफ, क्योंकि लाइट भी चला गया है, भैया स्टूडियो के अंदर है, चलते हैं। चारों तरफ अंधेरा हो गया है, लाइट भी चला गया है। भैया क्या कर रहे हो? अरे बारिश स्टार्ट हो गया, इधर से पानी आ रहा है, टेप लगा दे रहे हैं, वहां से पानी आ रहा है, टेप से इसको चिपका दे रहा हूं। प्लेन उड़ाने का तो प्लान पूरा खत्म हो गया, खराब हो गया। नीचे आओ पहले, नीचे आओ। लाइट भी भाग गया और बैटरी में चार्ज में लगाया था, खो गया सब कुछ। अभी तो बहुत ज्यादा बारिश हो रहा है बाहर, तो इसके चलते आज प्लेन नहीं उड़ा पाएंगे। इसको मैं साइड में रख दिया, और तो यहाँ पे है और लाइट भी चला गया है। सो गाइस बाद में किसी दूसरे और एक ब्लॉग में प्लेन को फ्लाई करेंगे, आज तो नहीं हो पाएगा क्योंकि पूरा पानी गिर रहा है बाहर और बहुत तेज हवा चल रहा है, प्लेन उस हवा में फ्लाई नहीं कर पाएंगे, क्रैश हो सकता है। तो इसके वजह से मैं नेक्स्ट ब्लॉग में जो है फ्लाई करूंगा इसको, पूरा बेकार हो गया। सोच रहे थे आज प्लेन फ्लाई करेंगे, लेकिन यहाँ पर बहुत तेज बारिश हो रहा है, दिखाओ कितना तेज बारिश गिर रहा है यहाँ पर, देखो गाइस कैसे पानी गिर रहा है, पूरा बहुत ज़्यादा बारिश हो रहा है, अच्छा नहीं लग रहा। प्लेन उड़ाने वाले थे गाइज, लगता है बारिश तो बंद नहीं होने वाला है, तो आज प्लान कैंसिल, प्लेन नहीं उड़ाएंगे, किसी और ब्लॉग में उड़ा देंगे, नेक्स्ट ब्लॉग में शायद आएगा, लेकिन फ्लाई करते तो मज़ा आता। ठीक है, कोई बात नहीं, नेक्स्ट ब्लॉग में जरूर मिलेगा देखने को। और आज तो बैडमिंटन खेला, बहुत मज़ा आया, आप लोग उससे भी मज़ा आता अगर प्लेन फ्लाई करते वो सबसे ज़्यादा हाईलाइट होता। बारिश तो बंद होने का कोई नाम ही नहीं ले रहा है, पूरा गीला गीला हो चुका है, खराब हो चुका है, अभी नहीं जा सकते, तो कैंसिल हो गया प्लान। तो गाइस ब्लॉग को मजा आए तो लाइक कर देना, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग में, थैंक यू सो मच। हम लोग इधर एक भजिया मिलता है बहुत फेमस है, उसको लेके आएंगे, फिर थोड़ा मूढ़ी वगैरह साफ करके खाएंगे, बहुत भूख लग गया, अभी चलते हैं दुकान में।